तो यार अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो एंड भाई अगर आप एक लैपटॉप सर्च आउट कर रहे हो जिस पर आपने हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, मतलब अगर आपने ऑटोडेस्क पर काम करना है या मैक डिज़ाइनर पर काम करना है, तो यार ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप आउट मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डॉमिनोस द, वेलकम टू द ओजला द अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू करना, फॉलो वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 इस प्राइस रेंज की बात करेंगे, एंड मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपका बजट 90,000 से कम है, मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेक आउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं, तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1,10,000 इस प्राइस रेंज में, यार मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप। ये तीनों लैपटॉप पूरे लोडेड है। आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना या लॉन्ग टाइम आपने काम करना, आपको लॉन्ग टाइम लैपटॉप चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। अभी बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखा है Asus ROG Strix को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, आपको स्टाइलिश डिजाइन तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। उसके साथ आपको मतलब कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे, आज तक का कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर आपने यूज करना, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। प्लस आपने अगर लॉन्ग टाइम रखना है आप रख भी सकते हो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं चेक आउट किया था, मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूं एक बार आप चेक आउट कर लेना। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूं। डिस्प्ले की बात, आपको 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आईपीएस लेवल डिस्प्ले, जो कि 144 रिफ्रेशर के साथ देखने को मिलेगी। तो यार 144 रिफ्रेशर सच में बहुत मैटर करता है, इसकी डिस्प्ले बहुत तगड़ी होने वाली है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल जाएगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगा, आपको 16GB रैम भी देखने को मिल जाएगी, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिलेगी। SSD का बेनिफिट ये होता है, अगर आप डाटा वगैरह ज़्यादा ट्रांसफर करते हो, आपका जो डाटा है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है एज कंपैरिजन किया जाए HDD के साथ। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको GTX 1650 Ti भी मिल जाएगा, आपको 1660 Ti 4GB या 6GB भी देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ, आपको 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 85,000 से लेके 1,00,000 के बजट तक भी चल जाता है, आप देख लेना। जैसे आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus ROG Strix G15 के भी प्लस में। आपको कहना चाहता हूँ इसको 4.5 रेटिंग देखने को मिल जाएगी, Amazon टैग मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों ने परचेज़ किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। भाई अगर आप एज आ स्टूडेंट इसको यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, प्लस अगर आपने लॉन्ग टाइम भी रखना ना, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ, अगर आपने चेकआउट भी करना ना तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ या नंबर टू पर यार मैंने फिर से रखा है Asus की ओर से लैपटॉप। बात कर रहा हूँ Asus ROG Zephyrus G14 की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला लैपटॉप है, बिकॉज इसके डिजाइन, इसका कलर एंड इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं। ठीक है, आपको बैक साइड में LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको डुअल फैन मिल जाते हैं, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको 120 रिफ्रेशर देखने को मिलेगी। डिस्प्ले क्वालिटी इसकी भी तगड़ी है, प्लस अगर आपको ग्राफिक कार्ड तगड़ा चाहिए, अगर आपने गेमिंग भी करनी है, लाइव स्ट्रीम भी करनी है, स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, आप नॉर्मली इजिली कर सकते हो। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, आपके लिए भी गुड डील हो सकती है, एक बार आप चेक आउट कर लेना। अगर आपने नहीं चेक आउट किया था Asus ROG Zephyrus G14 को, अभी प्राइस की बात करते हैं, इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 90,000 से, मतलब 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका प्राइस यार 1,15,000 के बजट तक भी जाता है। तो भाई अगर आपका इतना बजट है आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको NVIDIA GeForce GTX भी मिल जाएगा, RTX भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूं 90,000 से स्टार्ट हो जाता है, 1,00,000 1.5 लाख के बजट तक मतलब का प्राइस चल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Asus ROG Zephyrus G14 के, और जो मैंने पहले लैपटॉप बताया वो भी बहुत तगड़ा है। अगर आपको एक स्टाइलिश प्रीमियम कलर चाहिए तो आपके लिए Asus ROG Zephyrus G14 भी परफेक्ट डील हो सकता है। मैं जितने भी आपको लैपटॉप बताऊंगा वो पूरे लोडेड होने वाले हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ या नंबर 1 पर मैंने रखा है Acer Concept D को। इसको इस बजट रेंज में नंबर 1 पर रखने का एक रीज़न है, बिकॉज आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है, आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा
अपर है, प्लस ये वाइट कलर में देखने को मिलता है यार, इसको वाइट कलर बहुत सूट करता है। ठीक है, अगर आपको भी एक डिज़ाइन मतलब अच्छा चाहिए, ये लैपटॉप भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। प्लस स्पेसिफिकेशन तो आपको तगड़े मिल ही जाते हैं, अगर आपने काम करना है लॉन्ग टाइम पीरियड काम करना है तब भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकते हैं, बिकॉज आपको डिस्प्ले बहुत तगड़ी मिल जाती है सॉरी। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को i5 8th जनरेशन के साथ मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी मिल जाएगा। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, प्लस आपको 512GB SSD भी मिल जाएगी, प्लस आपको 1TB SSD भी देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बातों को 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, AMD Radeon RX Vega 4। ठीक है, 4GB मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, लेटेस्ट वर्जन 64 बिट के साथ। बैटरी की बात करूँ आपको 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूँ 85,000 से स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका प्राइस 1,20,000 के बजट तक भी चल जाता है। लेकिन जो मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, ये आपको 85,000 से लेकर 95,000 के बजट में Acer Concept D के देखने को मिल जाएंगे। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको Acer Concept D के भी बता दिया, इसका भी डिज़ाइन, इसके भी कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, एंड इसकी डिस्प्ले सच में बहुत ज़्यादा सही है। 4K डिस्प्ले मिल जाना, वो भी आपको 1,00,000 के नीचे, तो वो सच में मैटर करती है। अगर आपने इसकी और जाना है आप जा सकते हो। प्लस मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ भी, अगर आप मतलब डेस्कटॉप पे ज़्यादा काम करते हो, आपको कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सही डील हो सकती है। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,30,000 तक हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने फिर से रखे हैं 3 लैपटॉप। ये भी तीनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं, बहुत पसंद आने वाले हैं, मैं 100% श्योर हूं आपको बहुत पसंद आएंगे। अभी बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूं, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है ASUS ZenBook Duo को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो सेकंड डिस्प्ले है वो आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूं, एज अगर आप स्टूडेंट हो, एज अ क्रिएटर हो, एज अ डेवलपर हो, तो यार ये बना ही लैपटॉप आपके लिए है। ठीक है, अगर आपने काम करना है, अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, कोडिंग करनी है, प्रोग्राम करनी है, उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, उसके बाद भी अगर आप आर्किटेक्चर हो, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बना है, आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। प्लस भाई आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूं, मैं वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं बड़ी करना चाहता, बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है। सेकंड डिस्प्ले की बात करूँ, वो आपको 12.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है, जो कि आपको टच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i7 मिल जाएगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बातों को NVIDIA GeForce MX250 देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देगा। प्राइस की बात करूँ, आपको 1,25,000 के बजट में ASUS ZenBook Duo देखने को मिल जाती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ASUS ZenBook Duo के भी। तो यार अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। मुझे पता है भी, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको भी ये लैपटॉप बहुत पसंद आया होगा, जो कि यार सच में इसका डिज़ाइन लुक वगैरह सच में बहुत अपर है। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूं ना, वो आपको और भी पसंद आने वाले हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 पर। यार मैंने रखा है HP Spectre X360 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, बहुत इंटरनेशनल क्रिएटर्स के पास आपको ये देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इसके स्पेसिफिकेशन, इसका डिज़ाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है। प्लस भाई अगर आपको कीबोर्ड पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकती है, बिकॉज इसका ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा सही है, उसके बाद इसका टच पैड भी बहुत ज़्यादा सही मिल जाता है। आपको टच स्क्रीन के साथ मिलता है, आपको इसके साथ HP पेन देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप उस स्क्रीन को यूज़ कर सकते हो, एंड इसके स्पेसिफिकेशन बहुत मिल जाएंगे आपको। ये 90,000 से मतलब 90,000 से ये भी स्टार्ट हो जाता है, एंड इसका प्राइस जो है ना यार, वो 2,00,000 के बजट तक भी चल जाता है। आप देख लेना, अगर आपका इतना बजट है, आप इसके और जा सकते हो। प्लस जो भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच 4K डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है, जो कि HP पेन के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको GTX 1660 Ti देखने को मिलेगा। 4GB भी मिल जाएगा, 6GB भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बातों को 30 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, इसकी बैटरी लॉन्ग बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, आपको 1,20,000 के बजट में ये स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल जाएगा HP Spectre X360।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको इस लैपटॉप के भी बता दिया। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ भाई, अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था HP Spectre X360 को, आप चेकआउट कर लेना, आपको ये भी बहुत पसंद आने वाला है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ यार, कई बंदे होते हैं जिसको डेल का या HP का लैपटॉप चाहिए होता है ना, तो यार अगर आप भी उनमें से आते हो आप इसके और जा सकते हो। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको ASUS का लैपटॉप सही लगा, वो भी बहुत ज़्यादा सही है, उसकी डिस्प्ले भी बहुत सही है, सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पूरा आपको बेस्ट मिल जाता है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखी है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, ये लैपटॉप भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसके कलर, प्लस भी आपको स्लिम लैपटॉप मिल जाता है, 2-in-1 लैपटॉप मिल जाता है। तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर भी जाना है, आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। प्लस मैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम भी मिल जाएगी। वैसे ही आपको स्टोरेज भी देखने को मिलेगा, वैसे ही आपको ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलेगा। अगर आपने 4GB ग्राफिक की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने 6GB की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने उसके ऊपर भी जाना है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन इंक्रीज होते जाएंगे, आप उसकी ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा यार। तो यार डिस्प्ले की बातों को 30.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि टच डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 8GB भी मिल जाएगी, 16GB मिल जाएगी, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जो आप लेना चाहते हो, जितने पैसे पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बातों को इंटेल वेरिस प्लस मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाएगी। बैटरी की बात करूँ, आपको 11 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, आपको 90,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड इसका प्राइस भी 2 लाख के बजट तक भी चल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की। अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इनमें से बेस्ट कौन सा, बिकॉज मैंने 3 लैपटॉप बताए, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा लोडेड है भाई, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की सीधी बात कर लेते हैं। अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है इस प्राइस रेंज में, भाई मैं आपको सीधा ही बोलना चाहता हूँ, किसी और लैपटॉप की ओर जाने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हो एप्पल मैकबुक 13 की ओर या एप्पल मैकबुक प्रो की ओर, ठीक है। ये दोनों लैपटॉप बने ही क्रिएटर्स के लिए, बने स्टूडेंट्स के लिए, बने डेवलपर्स के लिए। तो भाई अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हो, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है, आप इन दोनों लैपटॉप्स की ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं कि आपने 16GB रैम की ओर जाना है, 8GB की ओर नहीं जाना। मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ जिसमें मैं एप्पल मैकबुक प्रेफर करता हूँ ना, तो सभी वीडियोज में मैं कहता हूँ कि आपने 16GB रैम की ओर मिनिमम तो जाना ही जाना है, ठीक है। 8GB की ओर आपने नहीं जाना, बिकॉज अगर आप 8GB की ओर चल जाते हो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो सकता, आपको चेंज करना पड़ जाएगा लैपटॉप इन फ्यूचर, ठीक है। अगर आप 16GB रैम की ओर जाते हो, अगर आपने 4-5 साल से भी ज़्यादा रखना है तो भैया आप रख सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स वाई, तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों लैपटॉप के बता दिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आपने 16GB रैम की ओर मिनिमम जाना ही जाना है, आपने 8GB रैम की ओर नहीं जाना। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, जो भी आप लेना चाहते हो, मतलब जो भी आपका बजट है सभी आपको लोडेड मिल जाते हैं। मैंने 90,000 से स्टार्ट किया था, 2 लाख तक के मैंने आपको लैपटॉप बता दिया, जो कि बेस्ट है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अगर आप कोई भी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आप आर्किटेक्चर हो, कुछ भी आप काम करते हो, आप सभी के लिए भी ये बेस्ट डील हो सकते हैं। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर दे फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।